बात हो ही रही थी बार बार, फिर मैंने बोला मामी को भी बुला लो, तो उधर चले गए होटल में मामी को। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम हैं देहरादून के जू में। तो देहरादून का जू आता है जो वो मसूरी और देहरादून के बीच रास्ते में पड़ता है और एक बहुत शानदार जगह है। देखिए तो इसमें एक्वेरियम भी है और जू भी है, रॉक गार्डन वगैरह भी है। हर एक का इंडिविजुअल चार्ज भी हो सकता है, लेकिन टोटल कॉम्बो का पैक टिकट है जो 90 रुपये का पड़ता है वो एक का। जू जानवी का ये क्या है, ये क्या है? डस्टबिन है क्या? ऑक्टोपस है क्या? है डस्टबिन। यहाँ पे फन पार्क भी है देखिए, छोटे बच्चों के लिए, मतलब जानवरों के साथ साथ यहाँ पे पूरा बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है यहाँ का, पहाड़ों के बीच। मैंने तो ऐसा जू पहले कभी नहीं देखा। कांपते हुए पेड़ ले, कांपते हुए कितना फीलिंग हो रहा है, पेड़ों को भी ठंडक लग रही है। हाँ वाइट प्लम हेडेड पैराकीट, मकाओ ब्लू हेडेड मकाओ। ये नहीं देखे ना जयपुर के जू में, नहीं देखे। हाँ वो आ गया एक बार, कैसा बड़ा देख, कितना बड़ा बहुत खिलाड़ी। यहाँ अलग है जाती है ना, विदेशी पक्षी है। ये इनकी बुद्धि होती है 7 साल के बच्चे की, इतना बढ़िया बोलता है ये कि मैं क्या बताऊं। चरा तो सूअर जैसे। बहुत ज़्यादा विशाल का जू है, लेकिन यहाँ पे एरोज के डायरेक्शन भी हैं किधर जाएं किधर नहीं जाएं, है थोड़े बहुत, और पीने का पानी भी है। रेड एंड ग्रीन मकाओ, तोतों का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। और शेर चीते वगैरह भी होंगे, खुले में ना हो बस। कुछ लोग क्या जू जू देखते हैं, तो अपन क्या देखेंगे? अपनी तीन चीजें देखो, सिक्योरिटी में लिखा है। मजा आएगा, मजा क्या आएगा? मजा आएगा, मजा गन में। जाने का देख हिरण इधर रखा, सच लग रहा है बिल्कुल। अरे हिरण कैसा अच्छा लग रहा है। कौन था उद्मी? कैसे? अरे भयंकर उद्मी, बहुत ही कमाल का। ऊपर देख जू, इसकी कैप थोड़ी ऊंची, एकदम नेचुरल। कैप है बहुत अच्छी। हिरण भी है, नकली हिरण।
लो लो ले ली। ओके देखिए शुतुरमुर्ग बहुत विशाल का पक्षी है, उसका बहुत क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से। आओ जानवी का आओ, कैसा देख क्या है ये एमोनी है शुतुरमुर्ग है वो। ये पक्षी इतना खतरनाक होता है कि शेर को भी एक बार में ढेर कर सकता है ये अपनी टांग के एक बार से। देखो पास आ गया, चिल्लाना मना है यहाँ पे। हाँ हाँ टाइम खानी तो उधर चली अंकित जल्दी ले। हाँ बदी का ले ली। और अच्छा ये नकली पक्षी है, असली नहीं है। नकली मतलब बैटरी वाला है ये, बैटरी से है मतलब, बैटरी है इसके अंदर, असली नहीं है। अच्छा कितना गंदा है, मुंह कितना गंदा है इसका। बिल्कुल नकली लगते हैं देखने में मगरमच्छ, एकदम नकली। ऐसा लगता है पत्थर के हैं। जो भी लोग पत्थर फेंकेंगे ना सांप और घड़ियालों में, तो हम लोग उन्हीं से कहेंगे कि लेके आओ। कितने हैं, तीन तो दिख गए मुझे, दो ही हैं, तीसरा वो रहा पीछे कोने पे। ये रेप्टाइल वर्ल्ड है, यहाँ पे स्नेक वगैरह हमको देखने को मिलेंगे। पूरे बाप रे कितना खतरनाक लग रहा है ये रहा पेड़ के अंदर। अरे हाँ 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 अंकित बहुत सारे हैं, एक का ये रहा मुंह, एक वो बीच में मुंह दिखिया और एक का ये रहा। हाँ ये और अंकित वो होगा ये है, ये देखो ये जो सांप है ना दोस्तों, मैंने इससे बड़ा जू नहीं देखा आज तक, इतने ज्यादा। देखो सारा सेक्शन जो है ये पूरा, ये खाली सांपों का सेक्शन है, ये सब और ये सब सांपों का सेक्शन है। गजब का कलेक्शन है इनके पास। एक तो ये रहा और एक वो रहा कोबरा। पर भयंकर हाँ देख इधर, वो रहा है हर, कैसे खतरनाक है। जयपुर के में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं लटक, हाँ पानी में ये औरत ने पाला था तो उसके बच्चे को लपेट के मारा। हम चाहेंगे ना डरा है। हाँ पटका ये अलग की चीज़ तन गया चल। पीछे क्यों देख रहा है क्या? एक्वाटिक वर्ल्ड जाने का इधर से है। वाओ गोल्ड फिश, किसी खिलौने जैसी लग रही है। यहाँ पे सब चीज़ बड़ी है, देखिए वहाँ से शुरू हुआ एक्वेरियम और यहाँ से जाएगा इधर।
थोड़ी देर गोटी में सकते जानवे कख पैंथर लेपर्ड और डियर ये बैठा ना ये बैठा देखो पैंथर वो बैठा पूरा पैंथर बहुत ही कमाल का था जू गाइस और देखिए कैंटीन वगैरह एकदम शानदार अंदाज के बने हुए हैं। 12 साल के ऊपर से नहीं के बैठ सकते इसमें। मेरा सिटी बच चुकी थी। मोगली, बघीरा, बल्लू, शेर खान